ध्यान देते रहना। आज से नया टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक का नाम है आपका घातांक करणी। तो बोलो टॉपिक का नाम बोलिए, घातांक करणी। अब जो घातांक क्या होती है, करणी क्या होती है, दोनों समझना। घातांक मतलब घात वाला अंत। सब बोलो घातांक मतलब घात वाला अंत, उसे घातांक कहा जाता है। और आगे शब्द लिखा हुआ है करणी। बोलो क्या लिखा हुआ है, करणी। तो देखिए, जैसे मान लो x के ऊपर घात 4, तो घात वाला अंक नजर आ रहा है क्या? घात वाला अंक कितना है? जैसे मैंने लिख दिया 6 की घात 2/3, बोलो घातांक नजर आ रहा है क्या? घातांक कितना है? 2/3। ठीक है, 5 की घात 1/4, बोलो घातांक नजर आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 1/4। बोलो आपको 6 पर घातांक नजर आ रहा है क्या? 6 का घातांक बोलिए। आपको 7 पर घातांक दिख रहा है क्या? बोलिए सभी। आपको 10 पर घातांक दिख रहा है क्या? बोलिए सभी। ध्यान देना, जो घातांक है, बोलिए मैंने क्या बोला, जो घातांक है, इनको चिन्हों के रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? चिन्हों के रूप में। तो देखो, मैं घातांक जो भी आए हैं इनको चिन्ह के रूप में लिखता हूँ, और जो इनको चिन्ह के रूप में लिखा जाएगा उसे ही करणी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? करणी। इन घातांक को चिन्ह के रूप में लिखा जाएगा, इसे ही करणी कहा जाएगा। जैसे मान लो 6 पर 1/2 आ रहा है, तो 6 पर 1/2 आया तो 6 का वर्गमूल हो गया इस तरह से। जैसे मान लो 7 पर 1/3 आया तो 7 का घनमूल हो गया कुछ इस तरह से। 10 पर 1/5 आया, 10 पर 5 लिखना पड़ेगा, वर्गमूल घनमूल बताएगा मैंने। जैसे यहाँ पर 1/4 आया तो 5 लिख के और फिर अंदर 4 लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर आता 8 की घात 1/10 आता, तो 8 लिख के और फिर ऐसे 10 लिखना पड़ता। तो जो भी संख्या के ऊपर चिन्ह नजर आ रहे हैं, जो भी संख्या पर चिन्ह नजर आ रहे हैं, ये घात ही है। सब बोले क्या है? घात। और इनको करणी चिन्ह कहा जाता है। सब बोले कौन से चिन्ह कहा जाता है? करणी चिन्ह। इनको करणी चिन्ह कहा जाएगा। और करणी चिन्ह यदि घात है तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ घातों के नियम। सब बोलो किसके नियम? घातों के नियम। ये घातों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए, कैसे गुणा किया जाए, कैसे भाग दिया जाए, तो टोटल घातों के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। घातों का बेसिक पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान देना सभी। स्टार्ट कर रहा हूं। पहला नियम, घातों को हल करने का पहला नियम, ध्यान देते रहना, एक एक नियम को समझना। हर एक नियम आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप कोई से भी तरह का ट्यूशन कर लोगे बीजगणित का। तो देखते रहना सभी। पहला नियम है, यदि आधार समान हो। सब बोलिए मैंने क्या बोला? देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, एस, ये बोलिए एस, और बीच में गुणा का चिन्ह। सब बोलो बीच में गुणा का चिन्ह। तो सुनना सभी, जब आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो। दोबारा बोलो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घाते जुड़ जाती है। तो घाते जुड़ जाती है। तो बोलिए सभी, 3 ऋतु कितना होगा? देखो ये मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, इसका मतलब समझना। 3 ऋतु 5 हो गया, घाते जुड़ जाती है जब गुणा का चिन्ह बीच में। तो एक्स की घात 5 बोलेंगे। इस चिन्ह का मतलब समझना, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों तरफ से लिख सकते हैं। जैसे देखा, मैं डिब्बे के अंदर एक चीज लिख रहा हूं, एक्स की घात 5 है, एक्स की घात 5 ये है। तो नियम है, यदि बीच में गुणा का चिन्ह हो, आधार समान हो, तो घातें जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद जो भी आए उसके वापस से ऐसे टुकड़े भी किए जा सकते हैं। यहाँ पर टुकड़ा हो गया x की घात 2 × x की घात 3, ये बोल सकते हैं। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं x की घात 1 × x की घात 4। बोलो, यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं x की घात 5 × x की घात 1 क्या आएगा? ये भी बोल सकते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? आगे सभी को समझ में? तो इस तरह से टुकड़े कर सकते हैं, x की घात 5 के जितने भी टुकड़े हो वो सारे टुकड़े किए जा सकते हैं। आगे सभी को समझ में? लिखो एक पहला नियम, लिखो आप सभी जल्दी से नोट करते रहना, नोट करते रहना, याद करते रहना सारे नियमों को साथ साथ ही।
लिख लिया सभी ने, आ गया पहला नियम समझ में आपको? ठीक है, ध्यान देना। जैसे एक दूसरे सत्रह की घात चार गुना और सत्रह की घात तीन, बोलो उत्तर बता सकते हो आप? सत्रह की घात सात, बोले सत्रह की घात सात, तो सत्रह की घात सात हो जाएगा। यदि आप लोग क्वेश्चन आए छह की घात चार गुना और छह की घात दस, तो उत्तर आ गया आपका। यदि आप लोग क्वेश्चन पांच की घात दो गुना पांच की घात चार गुना पांच की घात तीन, तो उत्तर आ गया आपका। सबका आ गया ना? उत्तर बोली पांच की घात नौ। सभी के आता ठीक है। तो अब देखो दूसरा नियम देखना, ये तो था पहला नियम जो आपने उतार लिया है, अब दूसरा नियम समझना आप सभी। यदि तरीका समझना, यदि आप घातों को ऊपर नीचे ले जाओ, या ऊपर पांच है या पर तीन है, दोनों में आधार समान है, आधार समान हो चाहे न, यदि आप घातों को ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर लेकर आओ तो घात का चिन्ह बदल जाता है। यदि आप संख्या को ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर लेके जाओ तो किसका चिन्ह बदलता है? घात का। यहां पर x की घात पांच है, इसे तो ले आए नीचे, तो ये हो गया x की घात माइनस पांच। तो बोलिए क्या हुआ? x की घात माइनस पांच। x की घात तीन नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस की माइनस, माइनस x की घात माइनस तीन, तो ऐसे लिखा जा सकता है। आया कि नहीं समझ में? एक और देख के बताना, देखे आप ध्यान देते रहना सभी। ये भाग का नियम है, किसका नियम है? भाग का। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ था x की घात चार भाग x की घात माइनस दो, ये लिखा हुआ था, किसी ने पूछा कि बताइए इसका उत्तर कितना होगा, तो आपने बताने स्टार्ट किया। देखिए आपने कैसे बताया, x की घात चार तो आई ऊपर और बटा में कितना है बोलो? x की घात माइनस दो, तो माइनस को प्लस में बदलना आता है क्या? सबको आता है ना? ठीक है, बोलो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का कि माइनस का? तो ये ऊपर जाके प्लस का हो गया। और बोलो अभी कोई सा नियम नजर आ रहा है क्या? ये नियम दिख रहा है क्या? जब भी बीच में चिन्ह तो घाते ठीक है, चार को कितना आया? एक्स की घात कितना आया? समझ में नहीं आया, दूसरा नियम उतारो जल्दी से। इंट भी लिख देना, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ले जाने पर घातों का चिन्ह बदल जाता है, ऐसे इंट लिख देना। तो ध्यान देना सर, एक और बताना देखिए आप सभी समझना। जैसे मान लो चार की घात और तीन है और भाग दे दिया चार की घात माइनस दो का, उत्तर बता सकते हो क्या? तो बता सकते हो आप? ठीक है, इसे लिखाओ कैसे लिखा जाएगा? आगे लिखा सकते हो क्या? लिखा सकते हो आप? बोलिए सर, आगे लिखा सकते हो आप? बोलो आधार क्या है? बीच में चेन उठाते चार की घात कितना आया? आपका चार की घात सबको आगे समझ में? ध्यान देना सभी, ध्यान देना। अब एक ट्रिक लिख लेना आप इसमें कोने के अंदर साइड के अंदर, आप ध्यान देना कैसे, पहले समझ तो लो बाद में लिखना। अभी तो मैंने बताया ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जाने पर घात का चिन्ह बदलता है, लेकिन आप ये याद रखना जब भाग का चिन्ह आए, सब बोलो कौन सा चिन्ह आए? भाग का चिन्ह आए तो इसे गुणा में बदलते हैं। बोलो मैंने क्या बोला? भाग का चिन्ह आए तो इसे गुणा में बदलते हैं। और गुणा में बदलकर आगे वाली घात का चिन्ह बदल देते हैं। बोलो गुणा में बदलकर आगे वाली घात का चिन्ह बदल देते हैं। प्लस हो तो माइनस,
कर दिया करो, आपको उतने से भी वही आएगा। तो बोलो उत्तर, बोलो चार की घात कितनी आई, आए कि नहीं आए समझ। इसे आप साइड में से ऐसे लिख दो कि ऐसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है। से मैंने सबको समझ में आएगा नहीं वाला नियम, ठीक है। अब रूल नंबर थर्ड लिखे आप, तीसरा नियम लिखो, यदि किसी भी संख्या पर घात जीरो हो, यदि किसी भी संख्या पर घात जीरो हो तो उसका मान हमेशा एक होता है। किसी भी संख्या पर घात जीरो हो तो उसका मान हमेशा एक होता है। किसी भी संख्या पर घात जीरो हो तो उसका मान हमेशा एक होता है। लिख ले सभी ने, ध्यान देना सर। आपका नियम है ये, x की घात जीरो और इसको आप लिख सकते हो एक, क्या लिख सकते हो एक। किसी भी संख्या पर घात जीरो आए तो उसका मान क्या होगा एक। अब ध्यान देना, जैसे 15 की घात जीरो है बोलो मान बोली, 17 की घात जीरो है, 100 की घात जीरो है, किसी भी संख्या पर घात जीरो आए तो मान कितना आने वाला है एक। और एक चीज और याद रखना, एक बराबर होता है, सुनना सभी, उल्टा करो, एक बराबर होता है किसी भी संख्या पर घात जीरो, तो एक बराबर जो मन में आए वो संख्या लिखो। जैसे मान लो 13 की घात जीरो बोल सकते हो आप, एक के बराबर जो भी मन में आए वो संख्या लिख दो, मान लो 1000 और 1000 की घात जीरो, कुछ भी लिख दो। तो एक बराबर ये होता है और किसी भी संख्या पर घात जीरो इसका मान ये होता है। उल्टा सीधा दोनों तरह से याद होना चाहिए, लिखो इसे भी आप। ठीक होगा सभी ने, कितने नियम हो गए आपके, कितने हो गए, अब चौथा और पांचवा देखना, ध्यान देना सभी सामने। चौथा पांचवा और छठा सातवा बहुत आसान नियम है, तो पहले चौथा और पांचवा समझ लो, ध्यान देते रहना और दोनों में फर्क देखना। एक तो ये आ गया और एक ये लिखा हुआ है, दोनों में फर्क पता लग रहा है क्या, फर्क दिख रहा है क्या, बोलो दोनों में फर्क किसका है, फर्क बोलिए, बस मत लीजिए, फर्क बोलिए कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। अब ध्यान देना, 2 की घात 3 की घात कितनी आ रही है, 2। इसका मतलब समझना, 2 के ऊपर जो घात है वो नजर आ रही है क्या, 2 के ऊपर घात है 3 की घात 2, और कई जगह में लिख दू 3 की घात 2, तो इसका मान बता सकते हो आप, इसका मान क्या है, बोलो 5 की घात 2 होती तो, 6 की घात 3 होती तो, बोलिए 7 की घात 3 होती तो, 8 की घात 2 होती तो, या 10 हो जाएगी 3 दिन मातुस हो गया हो। 8 की घात 2 बराबर बोलिए कितना होता है, अब ध्यान दे रहे, इससे ये पता लगता है आधे जने तो बस किसी की लैंग्वेज समझते नहीं, हाँ बोलने क्या जा रहे, कोई यदि किसी ने बोल दिया 5 बस 512 नहीं पता है क्या पूछ रहे क्या नहीं पूछ रहे, आधी भीड़ तो ऐसी रहती है क्लास के अंदर, ये पता लगता है ऐसे शब्दों।
ध्यान दे रहा हूँ। तीन की घात दो का मतलब पता लग रहा है क्या? तीन की घात दो को क्या कहते हैं? तो बोलो दो की घात ऊपर क्या है? बोलिए इसे कैंसिल किया जाएगा, ठीक है? जो भी घात तो बस वो लिख दो और ध्यान देना इधर कैंसिल करेंगे। बोलो कोष्टक नजर आ रहा है क्या? तो याद रखना कोष्टक के अंदर घात कोष्टक के बाहर घात दोनों घाते गुणा होती है। सब बोलिए कोष्टक के अंदर घात कोष्टक के बाहर घात दोनों घाते गुणा होती है। तो बोलो दो की घात तीन दुनी छह, दो की घात कितना आ गया? छह। ये आपका आंसर आ गया दो की घात छह। और समझ में आया कि नहीं आया? आगे सभी को समझ में जल्दी नोट करिए। करके बताओ क्या? ठीक है, दो क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों को उत्तर बता देना आप सभी। बोलो उत्तर आया कि नहीं आया? सबका आ गया? बता सकते हो ना? पांच की घात बारह, फिर क्या आएगा? पांच की घात पता है क्या? जो की पोस्ट है कि नहीं है। अरे है कि नहीं है? नहीं है। और बोलो अब उत्तर बता सकते हो क्या? अब उत्तर बोलो पांच की घात आगे सब कुछ समझ में। ठीक है, तो अगला नियम देख रहे आप सभी कितने हो गए? पांच चार, तो छठा और सातवा देखना ध्यान देना सभी बात करें। छठा और सातवां नियम आपको मैंने वर्गमूल घनमूल में पढ़ाया था, आप सभी एक बार ये बता देना। घात को दूसरी तरफ भेजते हैं तो घात सीधी रहती है कि उल्टी? उल्टी। बताओ यहाँ पर दो बटा तीन किस पर आएगा? बाई बाई। दो बटा तीन किस पर आएगा? बाई बाई। सीधा कि उल्टा? उल्टा। की घात बोल दो, वाई की घात बोलो, आया कि नहीं आया समझ? आगे सभी को समझ में? ठीक है, तो ये नियम याद रखना छठा। अब ध्यान देना ये तो घात वाला नियम था जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया वर्गमूल और घनमूल के अंदर, लेकिन अब ध्यान देना यहाँ पर दो नियम मैं कैसे बना रहा हूँ। आपको ये भी पता होगा इस चिन्ह को घात में क्या कहते हैं? बोलिए। और आपको ये भी पता होगा इस चिन्ह को घात में क्या कहते हैं? बोलो। x की घात इसे क्या कहते हैं? x की घात एक बटा चार। और आप सभी को ये भी पता है क्या? बोल दो सभी। x की घात एक बटा पांच। तो आप सभी को ये वाला भी पता होगा? बोल दो सभी। x की घात एक बटा दस। x की घात एक बटा दस तरह से बोला जाता है। तो ध्यान देना एक नियम तो है ये वाला, देखो आपको पढ़ाया हुआ है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर दो लिख ले, मान लो यहाँ पर चार है। अब बताना आप x का मान बता सकते हो क्या? समझना सभी जिन्होंने वर्गमूल घनमूल ढंग से नहीं पढ़ा है ध्यान दे लेना सभी। और वर्गमूल घनमूल में आपको पहले जब मैंने करवाया था जिसमें के अंदर टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आपको ये भी बोला था कि यदि आप कोई बुक में से हल कर रहे हो पुराने पेपर हल कर रहे हो तो वर्गमूल घनमूल के काफी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। उसका रीजन क्या था? आपको घातांकनी नहीं पढ़ाई थी और अब घातांकनी पढ़ा दी है और पढ़ा अभी तो स्टार्ट हुई है। जब पढ़ा दूंगा उसके बाद में आपको वर्गमूल घनमूल के काफी क्वेश्चन और आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो भी ना आए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप आके डिस्कशन कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, ऐसे आपको कुछ कॉन्सेप्ट और करवा दी जाएगी घातांकनी पूरी होने के बाद में। और फिर आपको बुक में से लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। यदि आपको नहीं आ रहे थे कुछ क्वेश्चन बुक में से तो वो घातांकनी की वजह से नहीं आ रहे थे, ठीक है? तो इस टॉपिक को ढंग से पढ़िए, पूरा वर्गमूल घनमूल भी क्लियर होगा, घातांकनी भी क्लियर होगी, दोनों टॉपिक एक साथ हो जाएंगे। तो देखिए x के घात, आप बोलो x के घात बता सकते हो क्या? आप में से किसी से पूछ सकता हूँ, ढंग से ध्यान देते रहना। सब बोलिए एक्स की घात कितनी आ रही है? बोलिए कितनी आ रही है?
बराबर में कितना आ रहा है? दो। मान किसका चाहिए? ऐसा। तो बोले मान किसका चाहिए? ऐसा। तो बोलो एक बटा चार दूसरी तरफ जाएगा सीधा के उल्टा, सीधा के उल्टा। एक बटा चार का उल्टा करना जानते हो क्या? बोलिए चार बटा एक, चार बटा दो एक, चार बटा एक, चार बटा एक को क्या लिख सकता हूँ? चार। और बोला आपको इसको हल करना आता है क्या? हाँ। दो कितनी बार गुणा? चार बार। इसका मतलब क्या होगा? सोलह। बोलो क्या होगा? सोलह। दो को चार बार गुणा करना आता है ना? हाँ। दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह। तो बोलो एक्स का मान कितना आया? सोलह। समझ में आया नहीं आया? आगे सभी को समझ। एक नियम तो ये हो गया, अब दूसरा नियम देखना सर, ध्यान देना सर। दूसरा नियम बस इसमें घात आपको डायरेक्ट दे देगा, उसमें वर्गमूल ये फटा दिया मैंने पहले, एक बार वापस बता रहा हूँ आपको। एक्स की घात तीन बराबर 125 है। सब बोलिए मान किसका चाहिए? ऐसा। तीन दूसरी तरफ जाएगा सीधा के उल्टा, उल्टा। सीधा के उल्टा, उल्टा। तो एक्स बराबर और बोलो 125 पर जाके उल्टा होगा कौन होगा? तीन। और तीन का उल्टा बोलो एक, तीन का उल्टा बोलो एक। और कोई चिन्ह भी कहते हैं क्या? एक बटा तीन को कौन सा चिन्ह कहते हैं? वर्गमूल की घनमूल। किस पर घनमूल? 125 है। 125 का घनमूल बता सकते हो आप? 125 का घनमूल क्या होता है? तो एक्स का मान कितना आया? और आया कि नहीं आया? ये सभी ने सात नियम समझ में आ गए सभी को? सात नियम आ गए ना समझ में? ठीक है, तो देखो आठवां और नंबर नियम बताता हूँ आपको, ध्यान देना सर। समझना सभी, एक चीज याद रखना कि राम के बराबर कौन होता है? राम ही होता है और कोई नहीं होता। एक चीज और याद रखना, श्याम के बराबर क्या होता है? श्याम ही होता है। एक चीज और याद रखना, पांच के बराबर क्या होता है? एक चीज और याद रखना, ग्यारह के बराबर मतलब ना सभी, बस यही नियम है। अब ध्यान देना कौन सा नियम है, एक्स मत मानिए यहाँ पर, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया सत्रह और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स, और पता लग गया आपको एक्स का मान पता लग गया क्या? आप सभी को पता है पांच की घात सत्रह के बराबर क्या होगा? आगे समझ लो, एक नहीं आया तो बस अब ध्यान देना नियम, देखो नियम कौन सा है। जब आधार समान हो, सब बोलिए मैंने क्या बोला? बीच में चिन्ह, बीच में चिन्ह, तो घाते भी समान होंगी, तो घाते भी समान होंगी। बहुत काम का नियम है, ध्यान देना दोबारा। सब बोले जब बीच में चिन्ह, तो घाते समान होंगी। जब बीच में तो घाते समान होंगी। ऐसे समझ में, मैं इधर लिख रहा हूँ एक और नियम, देखो आठ ये नवा नियम, ध्यान देना सर। आगे एक्स का मान आ गया क्या? आप सबको पता है पांच की घात सत्रह बराबर है, तो बोलो एक्स का मान कितना आया? एक्स का मान बोलिए पांच। नियम क्या है बता सकते हो क्या? जब घाते समान हो, बोले जब घाते समान हो, बीच में चिन्ह तो आधार भी समान हो। बस ये दो नियम आपको याद रखना है, तो इसमें भी एक्स बराबर कितना जाएगा? पांच। और इसमें एक्स बराबर कितना जाएगा? सत्रह। पता नहीं क्यों आया, आप पूरा लिखना जब आधार समान
समान हो बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घाते समान होती है, और इधर लिख रहा जब घाते समान हो बीच में बराबर का चिन्ह हो तो आधार समान होता है। उधर लिख दो आप दोनों, सभी ने ध्यान देना सभी, आपके 9 नियम कंप्लीट है, 10वां नियम देखना आप सभी, बहुत काम का नियम है 10वां भी, वैसे हर एक नियम ही काम का है, आपको सारे नियम आएंगे तब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन ध्यान देना बहुत कंफ्यूजन होती है। अब जो नियम बता रहा हूं उसमें जैसे रूट 5 है और गुणा लिखा हुआ है रूट 3, एक तो ये कंडीशन, एक कंडीशन कई बार आपके सामने ये आ जाती है रूट 5 प्लस रूट 3। अब ध्यान देना आप सभी दोनों को समझना, यहाँ पर बीच में चिन्ह किस कार्य है, यहाँ पर बीच में चिन्ह किस कार्य है, प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी। ध्यान देना आप ये मत कर देना 5, 3, 8 और ऊपर वर्गमूल, ये क्या होगा इस चीज को याद रखना, कभी भी डायरेक्ट मत जोड़ना इस वर्गमूल वाली संख्या को, ऐसे नहीं जुड़ सकते। ध्यान देने कब जुड़ते हैं, 2√5 प्लस 3√5 ऐसे अलग अलग आ गया, 4√5 लिख गए। यहां पर दोनों समान हो और ये दे रखी इनकी संख्या, तो 2√5 प्लस 4√5 कितने रूट 5, 6√5, तो ये सही हो गया। बस ऐसे ही जोड़ सकते हैं इनको, 5, 3, 8 ऐसे मत कर देना, तो ये गलत और ये क्या है सही। और ध्यान देना जब गुणा का चिन्ह हो तो गुणा कर सकते हो, कैसे बोलो 5, 3, 15 और 15 पर वर्गमूल आ गया, ऐसे गुणा किया जा सकता है। देखो क्यों करते हैं समझना, एक नियम होता है जब घाते समान हो, सब मैंने क्या बोला घाते समान हो, वो जो आधार है उनको गुणा किया जा सकता है, जब घाते समान हो तो आधार को गुणा किया जा सकता है, ठीक है। बोलो इसकी 5 की घात बता सकते हो क्या, 5 की घात बोलो, 3 की घात बोलो, दोनों पर घात अलग अलग है कि समान है, तो बोलो 5, 3, 15 और 15 पर 1 बता दो बोलो, चाहे वर्गमूल बोलो। दूसरा आ गया 4 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, सब बोलिए आधार समान है क्या, आधार समान है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखकर बोलो, बोलो आधार समान है क्या, नहीं। लेकिन घाते समान है क्या, घात कितनी है 5, तो बोलो 4 की 12 और 12 की घात 5, ऐसे गुणा कर सकते हैं, तो ये भी सही हो गया। अरे समझ में, ठीक है। यदि आपके पास याद है 4 की घात 5 गुणा 3 की घात 6, तो बोलो 4 की 12 होगा कि नहीं होगा, गुणा क्यों नहीं हो रहा, रीजन पता है क्या, क्यों नहीं हो रहा, समान है, ठीक है। तो आप याद रखना घाते समान हो तो गुणा किया जा सकता है, जैसे देखो अब ये भी घाती है, चलो बताओ गुणा कर सकते हैं क्या, बोलो 5 चौका 20 और 20 पर क्या आया, चलो बताना और 5, 3 हो जाएगा क्या, होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रीजन पता है क्या, क्योंकि इस पर वर्गमूल है और इस पर वर्गमूल, दोनों पर घात समान है कि अलग अलग है, तो 5, 3, 15 नहीं हो सकता। तो बताओ अब यहाँ पर मान लो 4 है यहाँ पर 4 है, बोलो अब हो जाएगा क्या, बोलो 5, 3, 15 तो ऊपर यहाँ पर करनी आ जाएगा, बुरा है कि नहीं, समझ आगे सभी को समझ, ऐसे गुणा किया जा सकता है, इसको ऐसे लिख रहे ये गलत तो होगा, ऐसे जब बना के कि ऐसे नहीं किया जा सकता, गलत होगा, बाकी सब सही है।
लिख लिया सभी ने, लिख लिया ना? ठीक है, अब लास्ट नेम देखना, लास्ट नेम देखना, एक बार वापस रिपीट करवा दूंगा सारे नियम, और जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में और भी अच्छे से याद हो जाएंगे, थोड़ी कोशिश आप करना बाकी क्वेश्चन में अच्छे से याद हो जाएंगे हर एक नियम, ध्यान देते रहना सर, सभी ध्यान देना, लास्ट नियम कौन से नंबर का है, ध्यान देना, बिल्कुल आसान नियम है। देखो यदि आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ना एक्स बटाओ वाई की घात जेड, तो ध्यान देना मैंने कोष्ठक लगाया है, इसका मतलब है जेड एक पर है कि दोनों पर, तो आप इसे अलग अलग कर दिया करो, एक्स की घात जेड बटाओ वाई की घात जेड, ऐसे दोनों पर अलग अलग भी लगा सकते हो। यदि कोई जगह पर मान लो घात अलग अलग लगी हुई है, देखो दोनों पर अलग अलग लगी हुई है, सब हो रही है, चार पर घात कितनी आ रही है और तीन की घात, दोनों पर अलग अलग घात है कि एक समान घात है, बताओ दोनों पर ही पांच है तो दो जगह क्यों लगाए, बोलो एक जगह लगा दो क्या, तो ये भी सही हो जाएगा, सीधा उल्टा दोनों तरफ से करवा दिया, तो बस ये चीज याद रखनी है। कई बार आपको इसे लिखा मिलेगा रूट चार गुना पांच, तो बताओ ये रूट एक का है कि दोनों का है, तो फाल तुम्हें क्यों यहाँ पर एक साथ लिखे, अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिखा जा सकता है। और अभी जो मैंने पिछला दसवां नियम कराया वो ऐसा ही था, दोनों पर वर्गमूल का चिन्ह है, तो क्यों फाल तुम्हें अलग अलग लगाए, एक जगह लगा दो, बस ये नियम है, तो आप इनको उतार लो, इन दोनों को इनको छोड़ दो, इनको मैंने पिछले नियम के अंदर करवाई दिया। ये लास्ट नियम था, बस याद रखना आप पे अलग अलग घात लगी हो तो एक साथ घात लगा सकते हो, एक साथ लगी हो तो अलग अलग कर सकते हो। कितने नियम लिखा है आप, एक एक नियम देखकर बता, तीनों लिखा आपको याद है, पहला नियम याद है ना, जब आधार समान हो और बीच में चेने तो खाते जुड़ जाती है, बोलो उत्तर बता सकते हो आप, उत्तर बोल दीजिए, एक्स की घात 16, दूसरा नियम याद है क्या, अब गुणा था कि भाग था, अगला नियम याद है, बोलो यहाँ पर भाग की जगह पर क्या लिखूंगा, भाग की जगह पर गुणा लिखने पर घात का चिन्ह, गुणा लिखने पर घात का चिन्ह, अब बताओ गुणा लिख दिया यहाँ पर चिन्ह बोलिए, तो हो गया माइनस का, इसे अलग कर सकते हो क्या, बोलो आधार क्या है, बीच में चेने उगाते जुड़ जाते हैं, बताओ ये प्लस का 13 ये माइनस का 3, प्लस के 13 में माइनस के 3 को जोड़ोगे तो जोड़ना आता है क्या, प्लस का 16 की 10 कितना आएगा, तो 10 आ जाएगा 13, और ये प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस, तो उत्तर कितना आया 10, एक्स की घात 10, अरे समझ में सभी को, ध्यान देते रहना। इसके बाद मैंने नियम करवाया था एक्स की घात 3 की घात 2, बोलो उत्तर बता सकते हो क्या, बोलो एक्स की घात 9, बोलो 9, और बोलो इसका उत्तर बता सकते हो आप, एक्स की घात 6, किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो कितना होता है, इधर रूट एक्स बराबर 5 है, उत्तर बता सकते हो क्या, एक्स पर घात दिख रही है क्या, एक्स की घात कितनी आ रही है, बोलो इधर आएगा सीधा की उल्टा, उल्टा होगा किस पर आएगा, तो 5 पर उल्टा कर सकते हो क्या, 5 की घात 9 कितना आया, एक्स की घात 3 हो और बराबर के अंदर 8 हो तो उत्तर बता सकते हो क्या, 1 किसका चाहिए, 3 आएगा सीधा की उल्टा, तो 8 पर उल्टा होगा तो 8 की घात 1 बटा 3, वर्गमूल की घनमूल, आठ का घनमूल बोलिए, 8 का घनमूल बोलिए, 4 की 2 कितना होगा, प्रयोग बने यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगला नियम आपको बताया था, जब आधार समान हो, सब बोले मैंने बताया था जब आधार समान हो तो आप ही बता दो घात भी क्या होंगी, जब बीच में चिन्ह कौन सा रहना चाहिए, सब बोले जब आधार बीच में चिन्ह तो घाते भी, ठीक है, और बोला अब बता सकते हो आप नहीं, जब घाते बीच में चिन्ह तो आधार
है, समान हो। ठीक है, इसके बारे में आपको जो नियम कराए वो देखना आप सभी। जैसे मान लो घात एक समान आ जाए, 17 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 को तो बता सकते हो क्या? बोलो गुणा हो सकता है कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो 17 दूनी 24 जो लिख रहे बता सकते हो ना भाई? दो जगह पर घात 3 आ गई तो दो जगह लगाओगे कि एक जगह? अलग अलग क्यों लगाए? एक साथ लगाओ, 17 दूनी 24 और 34 की घात कितनी आई? 3। अरे सबको समझ में? यदि आपको ये लिख कर देते एक्स वाई की घात 3 तो बोलो 3 एक पर है कि दोनों पर? आगे लिख सकते हो एक्स की घात 3 गुणा एक साथ है तो अलग अलग लगा सकते हो, अलग अलग है तो एक साथ लगा सकते। ये सारे नियम हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे नियम आपको कल की क्लास से पहले अच्छे से याद हो जाने चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर अभी भी करवा रहा हूँ, लेकिन कल तक आपको नियम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए जो भी मैंने लिखाए हैं, क्योंकि कल की क्लास में हर एक नियम काम में आने वाला है। पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको करवा रहा हूँ, ध्यान देते रहना सभी, सभी ध्यान देते रहना, अच्छे से समझते रहना। पहले मैं ऐसे टुकड़े सोल्व करने बता रहा हूँ आप सभी समझना। सब बोलो 64 की घात बोली, सब बोलो 64 की घात। अब ध्यान देना, 64 की घात 2/3 को हल कैसे किया जाता है ये समझ। आपको यहाँ पर घात तो दिख रही है, घात को छोड़ो, लेकिन जो बड़ी संख्या दिख रही है इसको देखिए। बोलो कितनी दिख रही है? ढंग से बोलो। अब ध्यान देना, जो ये 64 दिख रहा है यहाँ पर, ये संख्या दिखती है, इस संख्या के टुकड़े कर दो। तो बोलो क्या करोगे? और ध्यान देना, वर्गमूल घनमूल में आप पढ़ चुके हो, टुकड़े करने का एक ही तरीका होता है, पता है क्या? टुकड़े करने का तरीका पता है ना? ना बोलो, दोबारा बोलो, टुकड़े किससे किए जाते हैं? तो बोले सभी, किसके टुकड़े करेंगे? तो अब आज के गुणनखंड विधि से 64 के टुकड़े कर दो। देखो वर्ग और घन याद हो ना तो बहुत बढ़िया है, वर्ग और घन याद हो तो जल्दी हो जाएगा। पहले मैं हर एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ और उसके बाद फास्ट वाला तरीका बताऊंगा, ये सोच के कि आपको 40 तक वर्ग याद है और 15 तक घन याद है, ये सोच के और फिर क्वेश्चन कराने स्टार्ट करूंगा। अब जिनको याद नहीं है उनको थोड़ी देर बाद में कुछ पहले नहीं पढ़ना है, जिनको याद है उनको आसानी समझ में आता रहेगा कल की क्लास में। तो आज तो नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूँ छोटे, जिनको याद नहीं है एक बार वापस रिपीट कर लेना, याद कर लेना ढंग से, ठीक है। जो भूल गए हैं वो रिपीट करना। 40 तक वर्ग और 15 तक घन सब याद करके आ जाना, वरना समझ में नहीं आएगा इतना ज्यादा। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और मैं यहाँ पर तुरंत सोल्व करके बता दूंगा और आप देखोगे ये याद कैसे गया, ये याद नहीं होंगे और याद होंगे उनको तुरंत पता रहेगा कि हाँ सर ऐसे कर लो, ऐसे उतर आ जाएगा, कुछ सेकंड में उतर आ जाएगा। तो आप पर फर्क पड़ता है, आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितने तक ये याद है और आपको क्या क्या समझना है, किस तरह का लेवल आपको तैयार करना है घातांक करने। यदि आपको बहुत कम लेवल तैयार करना है घातांक करने बीजगणित इनका तो करो स्टार्ट। पहले पूरे टुकड़े करके बता रहा हूँ, सब बोले द्वितीय में 6, 2 दुनी 4, 2 का भाग 2 कितना आया? 16, 2 का भाग 2 कितना आया? 8, बोलो 2 चौका 8, बोलो 2 दुनी 4 और 2 एकम 2। सब बताइए 2 कितनी बार आया? 6 बार। बोलो 6 बार। बोले 2 कितनी बार आया? 6 बार। बोलो बोलो 2 कितनी बार आया? 6 बार। मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? 2-6 बार गुणा हो रहा है तो क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 6। सब बोले क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 6। 2-6 बार गुणा है तो 2 की घात 6। बताओ 2 की घात 6 किसके बराबर है? 64 के बराबर। सब बोलो किसके बराबर है? 64 के बराबर। हो गए 64 के टुकड़े। तो पहला काम टुकड़े करने का है, जैसे ही टुकड़े हो जाए ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? देख कर बोलो ये क्या लिखा है? बोलो क्या लिखा है? 64। सब बोलिए क्या है? 64। ये 64 है और बोलिए ये भी क्या है? 64। सब बोलिए ये भी क्या है? 64। और सब बोलिए ये भी क्या है? 64। और बोलो इस 64 के ऊपर मैं घात लगा सकता हूँ क्या? हाँ। बोलो इस 64 पर घात कितनी आ रही है? 2/3। जो कोष्ठक लगाने का रीजन है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 6 पर घात नहीं आएगी, घात आएगी पूरे पर, इसलिए मैंने कोष्ठक लगाया। ये 64 है, 64 पूरे पर घात आ रही है तो मैंने कोष्ठक लगा दिया। 2 की घात 6 और घात 2/3 आया,
तो बोले आपको यहाँ पर एक पोस्टक वाला पोजिशन नियम नजर आ रहा है क्या? याद करो कोई पोस्टक वाला नियम लिखा है क्या? तो पोस्टक के अंदर पोस्टक के दोनों घाते गुणा कर सकते हो क्या? दो की घाते बोलो तीन एकम तीन दुनी छह ऐसे काट सकते हैं। तो बोलो दो की घात बोलो दो दुनी दो पर घात चार आ रहा है मतलब दो कितनी बार गुणा चार बार और चार बार गुणा करना आता आप सभी को दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो बोलो दो दुनी चार चार दुनी आठ आठ दुनी सोलह बोलो कितना आया सोलह आपका अंतर आ गया बोला इतनी ऐसे बता इसका बड़ा तरीका एक बार दोबारा बता रहा हूं। जो भी संख्या है उसके टुकड़े कर लो, टुकड़े करने का ये तरीका है, फिर घात में चेंज कर लो, फिर घात से कठिन हो तो घातों को काट लो, बस इतना सा करना है। लेकिन यदि आप इसे और फास्ट करना चाहते हो तो ध्यान देना, तो समझना सर आप ही बताइए यहां पर संख्या क्या लिखी हुई है? चौसठ के बारे में आपको जानते हो क्या? जो भी जानते हो वो चीज बताओ। बोलो चौसठ एक को आपने याद किया होगा क्या? बोलो आठ का स्क्वायर एक तो ये याद किया, इसके अलावा भी कुछ याद किया है क्या? बोलो चार की घात ये दोनों चीज आपने याद किया, तो दोनों में से कोई सा भी काम में ले लो। ठीक है, मैंने पहले ये काम में ले लिया, आठ की घात दो लिख दिया। ठीक है, आठ की घात दो और बाहर बोल दो, दो सब बोलिए कितना आया? दो बटा तीन। आठ की घात दो और दो बटा तीन। बोलो आगे नियम पता है क्या? बोलो कोष्टक के अरे कोष्टक के और कोष्टक के दोनों घाते क्या होती है? गुणा कर सकते हो आप? आठ की घात दो गुणा दो बटा तीन। बोलो ऊपर नीचे कट रहे हैं क्या? दो दुनी चार और चार बटा तीन, तो आठ की घात चार बटा तीन आया, नहीं कटा यहाँ पर अभी तक, अरे कटा तो नहीं कटा, तो गुणा हो गया। अब बताइए अभी भी नहीं कट रहा, तो आप इस आठ के भी टुकड़े कर सकते हो क्या? आठ के बारे में जानते हो? आठ बराबर क्या होता है? सब बोले क्या होता है? बस वर्गंडन से याद होने चाहिए। इसकी जगह दो की घात तीन लिखा जा सकता है क्या? सब बोलो दो की घात और बाद में बोलो चार आगे करना आता है। दो की घात तीन से तीन बोलो दो की घात चार उत्तर कितना आया? सोलह। एक मिनट तो ये लग जाएगा, समझना सर ध्यान देते रहना। इसके अलावा मान लो आप आठ की घात दो को काम में ले ली, आपने बोला कि मैं क्यों काम में लूं जब मुझे चार की घात तीन पता है, तो चलो ठीक है चार की घात तीन काम में लूं। सब बोलो चार की घात तीन को क्या कहते हैं? चौसठ। ये लिख दिया मैंने, आप सभी बार बोल के बताया मैंने क्या लिखा है? चौसठ लिखा है। बोले क्या लिखा है? चौसठ लिखा है। बोले क्या लिखा है? चौसठ। यहाँ पर क्या था? चौसठ। ये भी क्या है? चौसठ। और चौसठ की घात बोल दो, यहाँ पर चौसठ होती यहाँ पर चौसठ ही आएगा, बस लिखने का तरीका बदल सकते हो, आएगा चौसठ ही, समझ रहे हो ना? लिखने का तरीका बदल दिया, दिखने में अलग लग रहा है लेकिन है कितना? चौसठ। बस ये चौसठ रहना चाहिए। और बताओ अब आगे याद है क्या? पुस्तक के अंदर का पुस्तक के घाते क्या होंगी? चार की घात तीन से तीन उत्तर कितना आया? सोलह। ये भी सोलह आएगा, आया कि नहीं ऐसे? तो आप इस तरह से जिनको वर्ग और गणन से याद है वो तो अप्लाई करेंगे ये वाला तरीका, और बाकी लोग आराम से टुकड़े कर करके और फिर करते रहना, जब वर्गन याद हो जाए तो ऐसे भी सीख लेना। ठीक है, लेकिन वर्गन आपको याद होने चाहिए, मैं तो जो वर्गन याद है उसे पढ़ाने वाला हूँ।
एक क्वेश्चन आप करके बता दीजिए, 81 की घात 3/4 ईशान करके बता दो आप, 81 की घात 3/4। लास्टिक क्वेश्चन है जिसको मैं पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ, बाकी अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं इस आधार पर करवाऊंगा, पहले सुन लेना सभी अच्छे से, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं इस आधार पर करवाऊंगा कि आपको वर्ग और घन अच्छे से याद है, ठीक है। और फिर यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो ये आपकी कमी है, क्योंकि फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि वर्ग घन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और 2-4 दिन के लिए नहीं, परमानेंट जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक तो याद होना चाहिए कम से कम। तो देखना सही, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बोली, 81 के टुकड़े करना आता है क्या, विधि का नाम क्या है, अभाज्य विधि, ठीक है। ऐसे टुकड़े करना जिनको अभी तक याद नहीं, तो 2 खातों 4 या 3 खातों, बोलो 3 2 6, 3 7 21, बोलो 3 9 27, बोलो 3 3 9, बोलो 3 1 3, सब बोलिए 3 कितनी बार गुणा 4, तो मैं 3 की घात क्या लिखूंगा, 4। और आप सभी बता सकते हैं मैंने क्या लिखा है, सब बता सकते हो क्या, सब बोलिए ये क्या लिखा हुआ है, 81। और 81 पर घात दिख रही है क्या, कितनी दिख रही है, 3/4। और आगे नियम पता है क्या, सब बोले आगे का नियम है, जब कोष्ठक के अंदर का कोष्ठक के बाहर का घात क्या होती है, सब दिखाओ, 4 से 4 6, 3 की घात 3, और उत्तर कितना आया, 27। सब बोले कितना आया है, 27। आया कि नहीं आया, समझ डायरेक्ट तरीका देख रहा, समझ रहे सभी, जो अब मैं करवाने वाला हूँ आगे हर एक क्वेश्चन को उसी तरह से उसका टुकड़ा देख, उसके तरीका देखना। आप भी बताइए 81 के टुकड़े जानते हो क्या, अब जानते हो ना, आपको 81 का टुकड़ा कौन सा याद था, यही याद था ना आपको, जो याद हो वही अप्लाई करो, बोलो 81 की जगह ये तो लिख दिया मैंने 81, और ऊपर आया 3/4, ये 81 ये 3/4, आगे पता है क्या, लिखो 2 1 2 2 4, बोलो 9 की घात 3/2, आगे भी कर सकते हो क्या, फिर से टुकड़ा हो रहा है क्या, किसका टुकड़ा हो रहा है, 9 का क्या होता है, 3/2, तो बोलिए 3/2, 3 की घात 2, ये तो हो गया 9, और ऊपर 3/2, बोलो आगे भी कर सकते हो आप, 3 की घात 2 3/2, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर कितना आया, 27। तो आपको इस मैटर को काम में लेना है, क्लियर है सभी के, करके बताओगे आप, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उत्तर बताते हैं ना जल्दी से, कोई बोलेगा नहीं, बस हाथ खड़े करना जिसका भी आंसर आ जाए, आपको जो भी टुकड़ा याद है वो लिख सकते हो आप, जो भी टुकड़ा याद हो वो लिख सकते हो आप, याद रखना, अब डायरेक्ट भी याद रखना, 2 की घात 4 बराबर क्या होता है 16, तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ये भी आप याद रख लो कि 2 की घात 4 बराबर क्या होता है 16, अब आगे से याद रखना, सब बोलो 16 के टुकड़े बोली, 16 के टुकड़े, लेकिन मान लो इससे पहले आपको याद नहीं था तो कैसे करते, 4 की घात 2 तो याद है, याद है ना, ठीक है। और ऊपर कितना आया, 3/4, आगे लिखो 4 की घात 2 3/4, बोलो 2 2 4, बोलो 4 का फिर से टुकड़ा करना आता है क्या, बोल दो 2 2 और बोलो आगे क्या आया, 3/2, बोलो 2 से 2 कैंसिल, 2 की घात 3 को क्या कहते हैं, आया कि नहीं आया, सब
13 सब याद तक का ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवा दिया खाता करने के, और कल की क्लास में पूरे क्वेश्चन ही चलेंगे। और अब